दोस्तों आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले करंटली यहाँ पर आईपीएल की ट्रेड विंडो चल रही है। ट्रेड विंडो में यहाँ पर केएल राहुल की ट्रेड को लेकर, क्विंटन डिको की ट्रेड को लेकर काफी अधिक खबरें थी। इवन केएल राहुल को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए तीन टीमें इनके साथ बातचीत कर रही थी। अभी करंटली यहाँ पर केएल राहुल, क्विंटन डिको समेत पांच खिलाड़ियों की अब ट्रेड फाइनलाइज हो चुकी है। पांच खिलाड़ियों की ट्रेड पर यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुकी है। आपको इस वीडियो में इन खिलाड़ियों का कंप्लीट नाम और इनकी ट्रेड के बारे में आपको सारे अपडेट्स बताए जाएंगे। आपको बताए जाएंगे कितने रुपये में, कौन सी टीमों में आखिर ट्रेड हुआ, आपको इस वीडियो सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर और कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। सारी खबरें, सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड अपडेट के, आखिर क्या यहाँ पर अपडेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्विंटन डिको की। तो क्विंटन डिको किस साल लखनऊ की टीम को छोड़ रही है, तो हमने आपको पहले ही रीजन बता दिया था कि लखनऊ में इनको मौके नहीं मिले थे और लखनऊ के ओनर्स भी ये चाहते कि इस टीम को छोड़कर चले जाए। तो क्विंटन डिको को इन्होंने ट्रेड के लिए अवेलेबल कर रखा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी फॉर्मर टीम मुंबई टीम ये प्लानिंग कर रही है क्विंटन डिको को दोबारा से अपनी टीम में यहाँ पर ट्रेड कर ले जाए। क्विंटन डिको को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए मुंबई ने यहाँ पर लखनऊ को और क्विंटन डिको को ऑफर भी दिया, तो मोस्ट लाइकली क्विंटन डिको यहाँ पर ट्रेड होकर मुंबई की टीम में आ जाएंगे। हालांकि पंजाब से भी इनको ऑफर मिल रहा है, लेकिन शायद पंजाब की टीम में ट्रेड होकर ना जाए, मुंबई इंडियंस की टीम में ट्रेड होकर आ जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर केएल राहुल की, तो केएल राहुल को यहाँ पर करंटली आरसीबी की तरफ से ट्रेड का प्रपोजल मिल रहा है। आरसीबी की टीम इनमें काफी अधिक इंटरेस्टेड है। हालांकि आरसीबी की टीम में केएल राहुल के आने पर इनको दो फायदे होंगे। एक तो यहाँ पर इस टीम को क्वालिटी प्लेयर मिल जाएगा, इसके साथ ही फेब डुप्लेसिस का शायद ही आखिरी सीजन रहेगा, तो उसके बाद इस टीम को एक फ्यूचर कैप्टन मिल जाएगा जो कि चार पांच साल इस टीम की कप्तानी कर सके। और इस टीम के लिए केएल राहुल मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो इस टीम को एक काफी अधिक यहाँ पर फायदा हो सकता है। इस वजह से रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये टीम इनके साथ ट्रेड की बातचीत कर रही है और मोस्ट लाइकली शायद केएल राहुल यहाँ पर आरसीबी की टीम में ट्रेड हो जाए। इसके बाद नाम आता है यहाँ पर खगेश्वर अबाड़ा का। तो खगेश्वर अबाड़ा जिनको पंजाब की टीम ने ट्रेड के लिए अवेलेबल कर रहा है, इसके साथ ही पंजाब की टीम इनको रिलीज करने की भी प्लानिंग में है। तो रबाड़ा के साथ करंटली यहाँ पर चेन्नई और मुंबई इंडियंस की टीम ट्रेड की बातचीत कर रही है। दोनों टीमें इनके साथ यहाँ पर ट्रेड की बातचीत कर रही है, तो मोस्ट लाइकली इन दो में से एक टीम में ये ट्रेड होंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रेड विंडो में इनकी ट्रेड भी ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड, ऑलमोस्ट सर्टन है, तो इन दो में से एक टीम में अब रबाड़ा ट्रेड होंगे। इसके बाद नाम आता है यहाँ पर स्टब्स का। तो मुंबई के यहाँ पर ऑलराउंडर स्टब्स हैदराबाद की टीम में ट्रेड हो रही है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। हैदराबाद की टीम ने इनके साथ अप्रोच कर रखी है, मुंबई की टीम पे इनको छोड़ने को तैयार है, तो मोस्ट लाइकली अभी हैदराबाद की टीम में ट्रेड हो रहा है। जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वहां पर हम आपको अपडेट करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अब हम बात करते हैं पांचवें प्लेयर की। पांचवें नंबर पर नाम आता है मैथ्यू वेड का। तो मैथ्यू वेड यहां पर गुजरात टाइटंस के प्लेयर, गुजरात में इनको प्लेइंग 11 वैसे ही मौके नहीं मिल रहे। गुजरात की टीम इनको ट्रेड के लिए अवेलेबल कर चुकी है। रिपोर्ट से कि लखनऊ और हैदराबाद की टीम इनके साथ ट्रेड की बातचीत कर रही है, तो इन दो में से एक टीम में ये कन्फर्म रूप से यहाँ पर ट्रेड होंगे। मोस्ट लाइकली हैदराबाद की टीम शायद इतना अधिक पर्स बैलेंस बचा तो ये टीम इनको भी ट्रेड कर लेते। इन पांच खिलाड़ियों की ट्रेड से ऑलमोस्ट कन्फर्म, ऑलमोस्ट सर्टन आप कमेंट करके होती है आपके अकॉर्डिंग इन पांचों खिलाड़ी अगर ये 100% ट्रेड होते तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगी, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।